और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल तो इनकार है, लेकिन आगे परीक्षा अगर रद्द होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग पर को भी रद्द कर दिया जाएगा। 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। याचिका में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। तो नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, पहले कहा यह गया कि जिनके ग्रेस मार्क्स हैं उनके मार्क्स हटा लिए जाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नीट परीक्षा को लेकर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काउंसलिंग पर फिलहाल तो रोक नहीं लगेगी, लेकिन आगे अगर कुछ और खुलासे होते हैं तो फिर परीक्षाएं रद्द की जाएगी और परीक्षा रद्द करने के साथ साथ काउंसलिंग को भी रद्द करना पड़ेगा। 8 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है। याचिका में सीबीआई जांच की भी मांग रखी गई है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, नीट की परीक्षा में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग तो फिलहाल रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन अगर परीक्षा को लेकर किसी तरह की और बात सामने आती है और अगर उसे रद्द करना पड़ता है तो फिर काउंसलिंग भी रद्द की जाएगी। क्या कुछ कहा है आज, सिलसिलेवार तरीके से जरा बताइए हमारे दर्शकों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए, जो कि इस पूरे परीक्षा को कंडक्ट कराती है, उसे नोटिस जारी किया है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि फिलहाल तो जो काउंसलिंग है वो नहीं रोकी जाएगी, यानी कि बच्चों की काउंसलिंग जो उसमें पास होकर आए हैं उनकी काउंसलिंग होगी, लेकिन आगे अगर जांच बढ़ती है और अगर परीक्षा रद्द होती है तो फिर काउंसलिंग भी रद्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस बात को कहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कहा था कि अगर कहीं भी कुछ भी कमी रह जाती है और लगता है कि परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो फिर जिस काउंसलिंग की बात अभी तक उसने रद्द नहीं की है वो भी रद्द कर दी जाएगी। और नीट पेपर लीक परीक्षा में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा अब सामने आया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अब अपने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। उन्होंने माना कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने दावा किया कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने नहीं बुलाया था और उन्होंने ही पेपर को लीक करवाई, यानी कि सेटिंग करवाई थी। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब नीट की परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है, परीक्षा रद्द की जाती है, तो काउंसलिंग भी रद्द किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी काउंसलिंग को रद्द करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एनटीए की तरफ से 10 याचिकाएं लगाई गई थी और वहीं 30 से ज्यादा याचिकाएं कुछ छात्रों के द्वारा लगाई गई थी, जिनमें जो प्रमुख मांगे थी उसमें सेंटर मैनिपुलेशन, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से संबंधित तमाम हाईकोर्ट जो याचिका पर सुनवाई कर रहा था उस पर तत्काल रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी कि उन तमाम याचिकाओं को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए, उस पर नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि जब काउंसलिंग पर रोक नहीं है तो आने वाले दिनों में अगर काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी तो इस याचिका पर कोई औचित्य नहीं बनता सुनवाई का। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में उनके समक्ष ऐसे कोई पुख्ता सबूत आते हैं जिनसे ये लगता है कि वाकई पेपर लीक हुआ है इस पूरे मामले में, कई लोगों की इस मामले में जवाबदेही बनती है, तो काउंसलिंग का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़कर इस पूरी परीक्षा को भी रद्द कर सकता है। और ये टिप्पणी नीलू अपने आप में एक बहुत अहम, बिल्कुल सुशील, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर काउंसलिंग हो गई, बच्चों का एडमिशन हो गया, तो ऐसे में अगर बाद में भी अगर जांच खुलती है और बहुत सारे मामले, क्योंकि अभी ये बात सामने आई है कि कबूलनामा हुआ है, दो आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे, ऐसे में अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर कैसे इसको रोका जाएगा? क्या इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई टिप्पणी हुई?
जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अभी मेरिट पर ना जाकर मुख्य याचिकाओं के साथ इन तमाम चीजों को जोड़ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके मायने बहुत अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बेहतर समझता है कि जिस आधार पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही है उसमें कई नए नए तथ्य रखे जा रहे हैं। पहला ये कि एक ही सेंटर पर तमाम छात्रों को एक साथ ही 620 से ज्यादा अंक आ जाना और एक ही सेंटर पर तमाम छात्रों को लेकर परीक्षा दिलाना, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एनटीए को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। दूसरी बात कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, पुलिस ने कुछ मामलों का उजागर किया है और उससे संबंधित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 8 जुलाई को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि काउंसलिंग तो तब की जाएगी जब इस पूरे मामले में परीक्षा को लेकर कोई अहम सबूत उसके समक्ष ना आए। अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसे सबूत ऐसे तथ्य रखे जाते हैं नीलू, जिससे ये लगता है कि वाकई तमाम छात्रों के हित से खिलवाड़ किया गया है, तमाम छात्रों के मेहनत से खिलवाड़ किया गया है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इंडिकेट किया था कि अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती गई है तो हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। तो उसके मायने बहुत बड़े हैं और ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, क्योंकि जिस तरह से तमाम याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, तमाम तथ्यों के आधार पर बिल्कुल, तो हर तथ्य को सामने रखा जा रहा है, याचिकाएं लगातार दाखिल की जा रही है। अब 8 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय भी एक्शन में है। शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसी रिपोर्ट के आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि इस मामले में जो भी व्यक्ति या फिर संगठन दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पेपर लीक पर एक्शन अब लगातार हो रहा है। बिहार पुलिस से अब रिपोर्ट भी मांगी गई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो रही है। पेपर लीक पर शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से सजग है और अब इस पर एक्शन लेने की तैयारी। इसी को लेकर बिहार पुलिस से अब एक रिपोर्ट मांगी गई है, आर्थिक अपराध इकाई से यह रिपोर्ट तलब किया गया है। और यूजीसी नेट की बात अब कर लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी इस वक्त खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि 18 जून 2024 को ही नेट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने यह फैसला किया है। नीट की तरह ही यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है। अब दो दो परीक्षाओं के एक की परीक्षा रद्द करने की अभी उस पर याचिका पर सुनवाई हो रही है, तो दूसरी परीक्षा को रद्द करने की बात हो गई है क्योंकि इसमें भी गड़बड़ी पाया गया था। अभी 18 जून 2024 को ही नेट की परीक्षा खत्म हुई थी और इसके बाद गड़बड़ी की बात सामने आई जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। और नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट की परीक्षा फिर से करवाने की बात कही है। अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दिन पहले ही 18 जून को हुई यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नीट की तरह ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करवाती है। एनटीए ने 18 जून को देश के कई शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की थी, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगने लगे। नीट को लेकर हुए विवाद से सीख लेते हुए सरकार ने तत्काल इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सरकार परीक्षा की पवित्रता और छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। और नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, देखिए इस पर रिपोर्ट।
18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले हजार बार सोचे। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे।